हाय फ्रेंड्स, मैं उदय मिश्रा, आप देख रहे हैं एमबीएस मिकी। आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख पा रहे हैं, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस मतलब ऑर्डर डिफरेंशियल्स ऑर्डर जो हैं उनके बेसिक के बारे में बात कर रखा है, तो उस वीडियो को पहले देख लें फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको ज़्यादा सही इजिली समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, हम ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, जिन्हें हम सीएफ बोलेंगे। उसके बाद में फिर एक एक्जुलरी इक्वेशन होता है, जो एक्जुलरी इक्वेशन होता है इन्हें एई के नाम से जानते हैं, मतलब इनका भी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। फिर हम देखते हैं जो एक्जुलरी इक्वेशन होता है हम इन्हें कैसे फाइंड करेंगे। तो इन्हें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ डी होगा, जैसे कि हम देख पा रहे होंगे हमने वहाँ पर फॉर्म आपको दिखा रखा है कि जहाँ डी होगा वहाँ पर हम एम पुट कर देंगे, एंड जहाँ वाई होगा वहाँ हम वन पुट कर देंगे। फिर इक्वेशन में हम जो उस वाले वीडियो में सेकंड इक्वेशन थी उसमें हम रख देंगे। और जो यहाँ पर बात करेंगे ना पीआई के बारे में, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर होगा जो शून्य होगा, मतलब जीरो ही यहाँ पर मेरा पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, जीरो ही रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं इनके जो, जैसा कि आप लोग को पता है ना कि यहाँ पर ये यह हमारा जो है वो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। अब इनका जनरल फॉर्म है जो हमने इक्वेशन फोर रखी है ए जीरो और यम, जहाँ हमने बताया जैसे कि आपको कि यहाँ पर डी के स्थान पर यम रख देते हैं, तो हमने डी के स्थान पर यम रख दिया और वाई के स्थान पर वन रखना है, पुट करना है, तो हमने y के स्थान पर 1 पुट कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, एक्जुअली इक्वेशन बन गया ये वाला। ये जनरल फॉर्म है एक्जुअली इक्वेशन का। अब हम एक्जुअली इक्वेशंस फिर हम देखते हैं कि वो एक्जुअली इक्वेशन क्या देखते हैं, विच इज़ ए पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री n इन टर्म्स, कि वह जो है वो पॉलिनोमियल है या फिर मतलब पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल की बात अलग है। हम देखते हैं सबसे पहले कि जो है ना वो हमारा क्या है, रूट में है, कि मतलब ये हमारा रियल जो है रूट में भी रियल है, या कॉम्प्लेक्स नंबर है, या इरेशनल्स नंबर्स हैं, हम उन्हें देखते हैं ना जो आता है। सबसे पहले हम जैसे देखेंगे कि पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे या जो भी हुए वो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसका जो रूट आएगा उस रूट को हम देखेंगे कि वह रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, एक्जुअली इक्वेशन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जहाँ वो डी होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे, यम पुट करेंगे, जहाँ वाई होगा वहाँ वन पुट करेंगे, ठीक है। और जो उसके बाद में जहाँ Rx होगा Rx के स्थान पर हम जीरो पुट कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद में सेकंड काम क्या करेंगे कि हम उनका रूट फाइंड करेंगे। रूट फाइंड करने के बाद में, तो हमने रूट फाइंड किया, अब रूट फाइंड करने के बाद में हम देखेंगे कि वह जो रूट है वह रियल है कि कॉम्प्लेक्स है कि इरेशनल है। यदि वह हमारा आता है रूट, और रूट आता है रियल इन अ डिस्टिंक्ट, जो हमारा रूल आता है वो रूट आता है वो डिस्टिंक्ट है, रियल है लेकिन तो साथ में क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो जो हमारा डिस्टिंक्ट है तो उसके लिए हम क्या सीएफ का यूज करेंगे, सीएफ कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन का क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे C1e की पावर m1x, फिर हम क्या यूज करेंगे प्लस C2e के पावर m2x, फिर थर्ड क्या, ऐसे हम कहाँ तक, थर्ड C3, ऐसे जहाँ मतलब जितना रूट होगा। जैसे हमारे पास, हम एक एग्जांपल के माध्यम से बात करें, जैसे हमारे पास रूट आया 2 एंड 3, अब ये 2 एंड 3 जो है यह रियल नंबर है, साथ में क्या है, डिस्टिंक्ट भी है। अब साथ में डिस्टिंक्ट तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, C1 e के पावर जो 2 है वो हमारा यम है, तो यानी 2 फिर क्या लिखेंगे साथ में x 2x प्लस हम क्या यूज करेंगे, हम प्लस क्या यूज करेंगे यहाँ पर, फिर C2, फिर दूसरा हम देखते हैं C2 e के पावर 3x।
अब ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पर दो हमने रूट, दो रूट ले रखा है तो दो रूट की बात करेंगे, ऐसे हमने तीन रूट भी हो सकते हैं, चार रूट भी हो सकते हैं, कितने भी रूट होंगे तो हम क्या यहाँ पर, लेकिन उनका क्या होना चाहिए, वो जो रूट हैं वो रूट के साथ में रूट और रियल एंड क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जो डिस्टिंक्ट हैं तो हम उनके लिए ये वाला रूल अप्लाई करेंगे और इस मेथड से हम उनका क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। और यदि वह हम देखें कि जो हैंड टू रूट्स आर आर रियल एंड इक्वल, यदि जो दोनों रूट रियल हैं, रियल के साथ में सेकंड जो हमारा मेथड है वो रियल है, रियल के साथ में क्या है अलग अलग है, मतलब अलग है बोल रहे हैं इक्वल हैं, जैसे कि हमने रूट यम वन यम टू यम थ्री, मतलब कोई रूट निकाला टू वन वन और वन जो कि हमारा रियल नंबर है प्लस क्या है इक्वल है, तीनों क्या है इक्वल है, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, दूसरे मेथड का यूज करेंगे जो कि या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे c1 प्लस c2 x और e के पावर m x। अब यहाँ पर हमारे m क्या है, m हमारा 1 है और c1 c2 और e x e के पावर m x हो जाएगा, हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सीक्रेट पावर m x हो जाएगा। फिर हम सेकंड बात करते हैं कि जब हमारा रूट्स थ्री है, मतलब तीन रूट्स हैं, जब हमारा तीन रूट्स हैं और रियल हैं एंड इक्वल हैं, जब ये तीनों रूट्स इक्वल और रियल होंगे तो हम उनके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम इस तरह का यूज करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने जब यहाँ पर एक रूट था तो एक रूट था तो हमने एक लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर दो रूट्स हुआ तो दो रूट्स के लिए सी टू एक्स, सी टू एक्स का यूज किया, प्लस तीन रूट्स हुए फिर तीन रूट्स के लिए हम सी थ्री एक्स का यूज किए, उसके बाद में हम सी फोर एक्स का यूज किए, मतलब जितना होगा ऐसे हम यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर दे जाएंगे और C1, C2, C3 तक लास्ट में हम जब सेम रहेगा तो यम हमारा सेम रहेगा तो यम वहाँ पर e के पावर mx लिख देंगे, बस हमारा काम हो जाता है। फिर हम अगला बात करने वाले हैं, जो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आप लोग देखिए ताकि आपको बीच में दिक्कत ना आए, इसलिए तो हम तीसरी पॉइंट जो हमारी है वो हो सकता है कि रूट्स हमारा क्या हो, रियल हो एंड इक्वल हो। अब रियल और एंड इक्वल हो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा जनरल फॉर्म, ठीक है, रियल और इक्वल के लिए जितने भी हों, रियल के साथ में इक्वल हों, उनके लिए हम जनरल फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह निकालेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखे होंगे हम बताए हैं, जैसे ये हमारा जो है तीन के लिए है और ये हमारे यन नंबर के लिए, जितने भी आर रूट्स हों, आर मतलब कि जितने भी हों उनके लिए हम ये हमारा जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ तक आज के वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे, जो कि अगला वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा रूट कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट हो तब हम किस तरह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहें वीडियो। जय हिंद, जय भारत।